नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आपको पता ही होगा पिछले साल आज के दिन क्या हुआ था। बहुत तेज हो रहे हैं, बहुत तेज हो रहे। तो आपने बिल्कुल ठीक समझा दोस्तों, पिछले साल मास्टर स्ट्रोक आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 को जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया था और आज के दिन अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन किया जा रहा है, जिसके बारे में आपसे बात करूंगा, जिसकी हिस्ट्री के बारे में आपसे थोड़ी बात करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, बात है 2002 की, जब गुजरात में दंगे चल रहे थे। तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रधानमंत्री थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। तब अटल जी के द्वारा निर्णय लिया गया कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके पद से हटा देते हैं। तब एक शख्स निकल के आते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने नरेंद्र मोदी जी का फेवर लेते हुए अटल जी को समझाया कि ऐसा नहीं करते हैं, इनको छोड़ देते हैं, एक बार को रहने देते हैं। तो कहीं ना कहीं आडवाणी जी के प्रोटेक्शन में नरेंद्र मोदी उस टाइम पे बच गए, या मतलब उनको उनके पद से हटाया नहीं गया और फिर वो आगे बढ़े अपनी ज़िंदगी में। और लाल कृष्ण आडवाणी जी थे जो काफ़ी एक्टिव थे अपने टाइम पे राम मंदिर को लेकर, और उन्होंने मंदिर वहाँ बनवाएंगे वाला स्लोगन भी दिया अपने टाइम पे, जो कि फिर सोशल मीडिया पे काफ़ी सर्कुलेट भी हुआ पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया इस पे। लोग कहते हैं कि आप अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते। अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? कौन सी सरकार रोकने वाली है? तो बात आती है 2014 की, जब प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन चल रहे थे। तब लाल कृष्ण आडवाणी जी चाहते थे कि वो खुद प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन गए आडवाणी जी के सर पे पैर रख के। तब से इन दोनों के बीच में काफ़ी तनातनी देखने को मिलती है। खैर, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इनकी अंदरूनी पॉलिटिक्स है, तो मैं इन चीज़ों से दूर रहूँगा। क्योंकि इंडिया में अगर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में आप ज़्यादा बोलो तो आप एंटी नेशनल एंटी नक्सल बन जाते हो, तो मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूँगा। और फिर 3 मार्च 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने 3 मेंबर्स की मीडिएशन कमेटी को अपॉइंट किया अयोध्या बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट को लेकर, जिसके चलते उन्होंने अक्टूबर 2019 में अपनी रिपोर्ट सबमिट कराई सुप्रीम कोर्ट को। और 9 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया, जिसमें कि जो डिस्प्यूटेड लैंड था वो हिंदूज को मिल गया मंदिर बनाने के लिए, और मुस्लिम्स को अपना अलग से 5 एकड़ की ज़मीन मिल गई जिसमें वो अपना मस्जिद बना सकते हैं। तो ऐट द एंड ऑफ द डे बात वही आती है कि मेहनत किसी और ने करी और फल कोई और खा रहा है। सारी उम्र तो लाल कृष्ण आडवाणी जी लगे रहे कि मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर ऐट द एंड ऑफ द डे मंदिर का पूजन कोई और कर रहा है। और जिस इंसान ने इतनी मेहनत करी इस मंदिर को लेकर, वो अपने घर पे बैठा है, एटलीस्ट इनको भूमि पूजन में बुलाना तो चाहिए था, ये मेरा मानना है। बाकी खैर, इनकी अपनी पॉलिटिक्स हैं। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर ये वीडियो पसंद आती है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।